नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहन अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा प्रथमा के अंदर विषय अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के अंदर चार चार पंक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज हम पहले हमने एस की पंक्ति का अभ्यास किया था, एक बार उसका दोहरा करेंगे। एस यू एल सन, सन यानी सूर्य, एस पी ओ एल स्पून, स्पून यानी चम्मच, एस पी ओ एल स्टूल, स्टूल यानी स्टूल। तो आज हम उसी वर्तनी को लेते हैं आगे, टी की, टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर यानी चित्ता, टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर यानी चित्ता, टी ओ वाई टॉय, टॉय यानी खिलौना, टी ओ वाई टॉय, टॉय यानी खिलौना, टी यू बी टब, टब यानी टब, जो पानी डालने के लिए इस प्रकार का एक टब होता है जिसमें पानी वगैरह डालते हैं, टी आर ए आई एन ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, सभी बच्चों ने देखी है रेलगाड़ी, तो चित्रों के माध्यम से बच्चे पुस्तक के चित्र देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा और याद कर लेंगे, टी आर ए आई एन ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, टी आई जी ई आर टाइगर यानी चित्ता, टी ओ वाई टॉय, टॉय यानी खिलौना, टी यू बी टब, टब यानी टब, टी आर ए आई एन ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से भैया बहनों को वर्तनी बार बार बुलाना, स्लेट पर लिखाना, तो भैया बहन उस वर्तनी को याद कर लेंगे और घर पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे। फिर हमें इसी वर्तनी को की है, इस की को बड़ी वर्णमाला में लिखना, पुस्तक के अंदर अभ्यास किया हुआ है चार लाइन है, तो टी को बड़ी और छोटी वर्णमाला, इस प्रकार से भैया बहनों को दोनों बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला का भी अभ्यास हो जाएगा लिखने का। तो इस प्रकार से पुस्तक के अंदर भैया बहनों को ये अभ्यास कराना, और ये जो वर्तनी है ये स्लेट पर या फिर कॉपी है उसके अंदर भैया बहनों को लिखाना और चित्रों के माध्यम से उनको याद कराना, तो भैया बहन जल्दी से याद कर लेंगे। और इसी प्रकार से पदों की है, जानवरों की है, पक्षियों की है, चार चार पांच पांच वर्ण की, वो भी साथ में दोहराते रहे ताकि वो भैया बहन भूले नहीं। धन्यवाद।